अब सबका तो नाम भी लूंगा तो रात यही बस कथा हो जाएगी। महाराज तारका सुर ने चला की क्या चली, जिस पर्वत के ऊपर खड़ा था अपने शरीर को बढ़ा करके चारों ओर देखने लगा, चारों ओर उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत पर चली गई। दृष्टि कहाँ चली गई? कैलाश पर कौन बैठे थे? भगवान शंकर समाधि में, शंकर जी। अब तारकासुर को पता था कि इनकी पत्नी का अंत हो चुका, इनकी पत्नी का अंत, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तारकासुर ने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी से? हे ब्रह्मा जी, अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो, अगर मुझे कोई मारे तो शंकर जी का पुत्र मारे, कोई और मुझे मार नहीं सके। शंकर जी का बेटा मारे, कौन मारे? क्यों चलाकी क्या चली? तारकासुर जानता है जब घरवाली है नहीं तो फिर बेटा कहाँ से आएगा, तो घरवाली जा चुकी है तो बेटा होने का कोई उपाय नहीं। शास्त्र कहता है मूलो न अस्ति कुतो शाखा, जिसकी जड़ नहीं होती उसकी शाखाएं भी नहीं होती। ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कह दिया, तारकासुर तुझे शंकर जी का पुत्र ही मारेगा। इतना कह के ब्रह्मा जी को अंतर ध्यान हो। अब तारकासुर को लगा कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। ध्यान देने की बात, जब जीव को लगता है कि मैं मरने वाला नहीं तब बुरे कर्म करता है, और जब जीव को पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ तब उसकी प्रवृत्ति अच्छे कर्म में हो जाती है। आप में से कौन कौन ऊपर दर्शन करके आए? एक बार हाथ खड़े करो। करके आ गए सब? सब करके आ गए। अरे घोड़े पे गए थे पैदल? चलो हाथ नीचे करो। घोड़े पे जो गए थे वो हाथ खड़े? हाँ। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलो। जब घोड़ा जरा किनारे पे चलता है तो बम बम डोले ज्यादा निकलती कि नहीं? जब महाराज मृत्यु नजर आती है तब परमात्मा की स्मृति हो जाती है। इसलिए दो चीजें याद रखना, एक भगवान को और एक मौत, एक भगवान को और जिसको मृत्यु याद रहेगी महाराज उसका पतन नहीं होगा, वो सत्कर्म करेगा। मैंने आपको एक दिन बात बताई थी बाबा बुल्ले शाह की। बाबा बुल्ले शाह गांव के बाहर से गुजर रहे थे, औरतें चरखा काट रही थी। एक छोटी लड़की से पूछा, बेटी तू चरखा क्यों काटती है, तेरी तो उम्र भी कम है। उस लड़की ने कहा, बाबा जी आपको नहीं पता मुझे एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ेगा, मुझको एक दिन अपने पति के घर जाना पड़ेगा, मैं अपने पति के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, अपने पति के घर जाने की दहेज का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, पति के घर जितना दहेज लेकर के जाऊंगी उतनी मेरी ज्यादा इज्जत होगी। बाबा बुल्ले शाह उस लड़की के पांव में गिर गए, बाबा बुल्ले शाह उस लड़की के पांव में गिर गए और कहने लगे, बेटी आज से तुम मेरी गुरु हो। महाराज बुल्ले शाह कहते कि बेटी तुझे पता है कि अपने पति के घर जाना है, मुझे भी पता है कि मैंने अपने पति के घर जाना है, लेकिन तुमने तैयारी शुरू कर दी, मैंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की। गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र आता है कि बाबा बुल्ले शाह की जुबानी को नानक देव जी ने अपने शब्दों में लिया है, साथ चाले बिन भजन मिथ्या सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। महाराज परमात्मा के घर सिवाय सत्कर्म के, सिवाय नाम की कमाई के कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ तुमने प्राप्त किया वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बाबा बुल्ले शाह का कलाम दो।